आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसी महिला डकैत की, जिस महिला डकैत के संबंध अपने ससुर के साथ भी अवैध थे। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसी महिला डकैत की, जो महिला डकैत बॉलीवुड की हीरोइनों को भी सुंदरता के नाम पर पीछे छोड़ती थी। आज हम कहानी सुनाएंगे एक ऐसी महिला डकैत की, जिसके एक इशारे पर आसपास के गांव वाले मरने और मारने पर उतारू हो जाते थे। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसी महिला डकैत की, जिसका अपहरण बचपन में ही कर लिया गया था। आज हम कहानी सुनाएंगे एक ऐसी महिला डकैत की, जो बीहड़ में भी जींस और चश्मा पहनने का शौक रखती थी। जी हाँ, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे दस्यु सुंदरी सरला जाटव की। यदि चंबल के इतिहास में झांके तो एक डकैत है जिसका नाम कोई नहीं भूल सकता। उस डकैत का नाम निर्भय सिंह गुर्जर था। निर्भय सिंह गुर्जर, वो निर्भय सिंह गुर्जर जिसने कई सालों तक चंबल के जंगलों में आतंक मचा रखा था। वो निर्भय सिंह गुर्जर जिसे शराब और शबाब दोनों का शौक था। वो निर्भय सिंह गुर्जर जिसने चार चार शादियां की थी। निर्भय सिंह गुर्जर से सरला जाटव का क्या संबंध था? सरला जाटव और निर्भय सिंह गुर्जर आपस में क्या संबंध रखते थे? और अचानक से सरला जाटव की कहानी में निर्भय सिंह गुर्जर की एंट्री क्यों हुई? ये तमाम सारी कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। साल 1994 में निर्भय सिंह गुर्जर ने बसंती के साथ बीहड़ में शादी कर ली थी, लेकिन एक दिन वो मौका देखकर फरार हो गई। निर्भय ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दौरान बसंती उसे नहीं मिली। फिर साल 1999 में एक दिन बसंती की सूचना निर्भय सिंह गुर्जर को मिलती है और निर्भय सिंह गुर्जर उसके गांव में पहुंच जाता है। निर्भय सिंह गुर्जर को ये जो सूचना है वो एक मुखबिर के आधार पर मिलती है। सूचना मिलते ही निर्भय सिंह गुर्जर गांव में पहुंचता है और बसंती और बसंती के भाई को जान से मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। उन दोनों की हत्या करने के बाद बसंती के भाई की 11 साल की बेटी को निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बीहड़ में उठाकर ले आता है, और ये 11 साल की बेटी होती है सरला जाटव। वही सरला जाटव जिसकी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। 11 साल की उम्र में वो चंबल के बीहड़ों में निर्भय सिंह जैसे खूंखार डकैत के साथ अपहरित हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीतते चले जाते हैं, दिन रात वो लड़की रोती रहती है। बीतते बीतते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद निर्भय सिंह गुर्जर के मन में आता है कि वो उसके मुंह बोले बेटे श्याम के साथ उसकी शादी कर दे। 13 साल की उम्र में सरला जाटव की शादी निर्भय सिंह गुर्जर अपने मुंह बोले बेटे के साथ कर देता है। मुंह बोला बेटा भी दरअसल निर्भय सिंह गुर्जर अपहरण करके ही लाता है। कहीं से उस शाम को भी निर्भय सिंह गुर्जर ने अपहरण किया था, उस शाम का भी अपहरण करके वो चंबल के बीहड़ में लाता है। फिर वो धीरे धीरे इतना उससे लगाव हो जाता है शाम से कि निर्भय सिंह गुर्जर उसको अपना बेटा मानने लगता है। सरला जाटव की शादी के बाद डकैत ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। धीरे धीरे सरला जाटव भी चंबल के बीहड़ में ढलती गई, और ना केवल ढली तो ऐसी ढली कि पुलिस की फाइलें भी सरला जाटव के नाम से भर गई थी। इतना आतंक उसने फैला दिया था। सरला जाटव शुरुआत में इन सब कामों से डरती थी, लेकिन उसकी मजबूरी भी बन गई थी कि अब वो बंदूक हाथ में थामे। अब वो कमर पर कारतूस भरा बेल्ट लगाती और बंदूक कांधे पर रखकर आराम से बीहड़ों के जंगलों में आतंक फैलाती थी। सरला जाटव अपने ससुर के साथ यानी कि निर्भय सिंह गुर्जर के साथ लगातार खूनी वारदातों को अंजाम देती, लगातार बीहड़ के जंगलों के हिसाब से लूटपाट करती और अपना जीवन यापन करने लगी थी। अपने पति श्याम जाटव के साथ वो बहुत खुश थी, और ना केवल खुश थी बल्कि बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको बड़ी इज्जत से सब लोग देखते थे, लेकिन सरला जाटव ने ज़्यादा ही नज़दीकियाँ जो है वो अपने पति को छोड़ करके अपने ससुर के साथ बढ़ा ली थी, यानी कि निर्भय सिंह गुर्जर के साथ उसने ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी। उनकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि निर्भय सिंह गुर्जर गैंग को उसकी गैरमौजूदगी में सरला जाटव संभालती थी। आप सोचिएगा कि इतना बड़ा डकैत एक 13 साल की बच्ची का अपहरण करके लेकर आता है और उस पर इतना भरोसा कर लेता है कि वो अपने गैंग की कमान कभी कभी सरला जाटव को ही दे देता था। अब सरला जाटव की नज़दीकियाँ निर्भय सिंह गुर्जर से इतनी बढ़ गई थी
कि चंबल के जंगल में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। सभी डकैत आपस में मिलकर के चर्चा करते थे कि सरला जाटव ने अवैध संबंध जो है अपने ससुर के साथ बनाया है, यानी कि निर्भय सिंह गुर्जर के साथ उसके अवैध संबंध है। और कई सारे डकैत तो ये भी दावा करते थे कि हमने उन्हें रंगे हाथ देखा है, रंगे हाथ सरला जाटव और निर्भय सिंह गुर्जर को पकड़ा है। और धीरे धीरे ये आग की तरह ये बात फैलती गई और इतनी फैली कि सरला जाटव के असली पति यानी कि श्याम जाटव तक ये बात पहुंच जाती। श्याम जाटव तक जैसे ही ये बात पहुंचती है तो निर्भय सिंह गुर्जर को बताता है। निर्भय सिंह गुर्जर इस बात से पल्ला झाड़ लेता है और लोगों पर लांछन लगाते हुए वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं, इन बातों पर ध्यान ना दें। उसके बाद निर्भय सिंह गुर्जर और सरला जाटव इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई और ये अवैध संबंध बनाते चले गए और ये चर्चा चलती रही। लेकिन श्याम जाटव ने जो है वो ये ठान रखी थी कि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा, लेकिन वो कभी भी जीवन में श्याम जाटव अपने पिता को यानी कि निर्भय सिंह गुर्जर को सरला जाटव के साथ पकड़ नहीं पाया। अब निर्भय सिंह गुर्जर की एक पत्नी थी नीलम गुप्ता, उसे ये बात पता चल जाती है कि सरला जाटव के साथ निर्भय सिंह गुर्जर का अवैध संबंध है। नीलम गुप्ता असली वाली पत्नी थी निर्भय सिंह गुर्जर की। अब नीलम गुप्ता श्याम जाटव के साथ सेटिंग कर लेती है, श्याम जाटव के साथ यानी कि जो नीलम गुप्ता का बेटा होता है उसी के साथ वो सेटिंग कर लेती है और दोनों चंबल का बीहड़ छोड़कर भाग जाते हैं। इधर निर्भय सिंह गुर्जर और सरला जाटव दोनों अवैध संबंध में खुश थे, उधर श्याम जाटव और नीलम गुप्ता दोनों चंबल का बीहड़ छोड़कर भाग जाते हैं। अब श्याम जाटव और नीलम गुप्ता यानी कि निर्भय सिंह गुर्जर की असली पत्नी नीलम गुप्ता दोनों पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। अब यहीं से चंबल के जंगल का जो खराब दौर है वो शुरू होता है। सरला जाटव भी चिंता में होती है, निर्भय सिंह गुर्जर भी चिंता में होता है, क्योंकि इन दोनों लोगों को चंबल के जंगल का राज पता था, इसलिए उन दोनों को भी डर लगता है, सरला जाटव और निर्भय सिंह गुर्जर को, कि अब अपनी सांसें ज्यादा नहीं बची है, किसी दिन पुलिस की गोली अपने सीने में उतरेगी और अपन जान से मारे जाएंगे। इसी को मन में सोचते हुए साल 2004 में सरला जाटव ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए। जेल में ही सरला जाटव को खबर मिलती है कि उसका ससुर यानी कि उसका अवैध ससुर जो उसके साथ अवैध संबंध रखता था, पति ससुर उसको बोल सकते हैं, वो मारा जाता है। साल 2004 से लेकर साल 2022 तक सरला जाटव जेल में रहती है, यानी कि 17 साल उसने जेल काटी और 18वें साल में वो बाहर आई। सितंबर 2022 में सरला जाटव अपनी सजा काट कर बाहर आती है और अभी ऐसा माना जाता है कि सरला जाटव में काफ़ी सारा सुधार आया है। 17 साल की जेल काटने के बाद आदमी में सुधार आना स्वाभाविक सी बात है। सरला जाटव अब नॉर्मल सी जिंदगी जीती है, बिल्कुल आरामदायक जिंदगी जीती है, लेकिन उसके बिहार का जो पुराना सफर था उसने उसकी जिंदगी के 17 साल खत्म कर दिए और उसने जो अय्याशी करी थी अब उस अय्याशी पर उसे पछतावा है कि नहीं है, ये तमाम सारी चीज़ें तो उसका मन ही जाने। लेकिन ये बिहड़ की कहानियाँ हैं, इस बिहड़ की कहानी को मैं सुनाता हूँ और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप क्राइम अड्डा देख रहे थे।